नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यान वाला प्रारंभ करने से पहले आप सभी को आने वाले नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके लिए नव वर्ष कल्याणकारी हो। तो आज की व्याख्यान माला प्रारंभ करते हैं। व्याख्यान माला का विषय है डॉक्टर रांगी राघव की सुप्रसिद्ध कहानी गदल। गदल कहानी की समीक्षा, इसका उद्देश्य, कथावस्तु, पात्र चरित्रण, संवाद, भाषा शैली, वातावरण इत्यादि के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। गदल कहानी डॉक्टर रांगी राघव द्वारा लिखित एक इस प्रकार की कहानी है जिसमें युग से परे एक शाश्वत जीवन दृष्टि है। यह कहानी समस्याओं और घटनाओं से नहीं, कसक, जीवन और चेतना से जुड़ी हुई है। ये आत्मशक्ति और जिजीवसा की कहानी है, अतः इसे एक आकस्मिक कहानी भी माना जा सकता है। सबसे पहले हम कला सुष्टव की दृष्टि से कहानी का अंकन करते हुए निम्नलिखित तत्व प्रस्तुत करेंगे। प्रथम तत्व है कथा वस्तु। वैसे तो गदल एक जीवंत कहानी है, परंतु कथात्मक विन्यास में एक ब्रिटिश युग में गुर्जरों की एक वर्ग की गाथा है। गदल स्त्री पुरुष और पारिवारिक संबंधों की कहानी है। विधवा होने हो जाने के कारण गदल ने मोनी नामक व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लिया था। गदल के देवर और उसके पुत्र को उसका ये आचरण अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसका पुत्र उसको जबरन मोनी के घर वापस ले आया था। उसकी पिटाई भी की, लेकिन डोड़ी ने सबको शांत कर दिया। रात भर गदल घर के बाहर बैठी रही। डोड़ी ने समझाया, पर उसने कहा, तूने अपने भाई की मृत्यु के बाद मुझे बहुओं की नौकरानी बना दिया, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। उसने डोड़ी को दोष दिया, अगर तूने विवाह कर लिया होता तो मैं नहीं जाती। डोड़ी के लाख मना करने पर भी गदल ने अपना इरादा नहीं बदला और वह चली गई। नए घर में जेठानी ने ताने मारे, पर गदल ने पति को कहकर अलग व्यवस्था कर ली। उसने गृहस्थी को बांट कर अलग कर लिया। दोपहर में छोटा लड़का नारायण आया और बिरादरी के नियम के अनुसार अपनी माँ से दंड मांगा। गदल ने जेवर उतार कर उसे दे दिए। एक दिन जब गदल ने डोड़ी की मृत्यु का समाचार सुना तो वह अपने घर आ गई। घर पहुंची तो बेटों ने विरोध किया, तो गदल ने कहा, देवर से बेर था, चली गई, अब वो नहीं रहा, लौट आई, पर बेटों ने बाप का कामकाज ठीक से नहीं किया, इसलिए अब की बात करना है। ब्रिटिश सरकार का कानून था कि निमंत्रण देकर अधिक लोगों को कामकाज में खिलाया नहीं जा सकता था, पर गदल ने सरकार के कानून को मानने से इनकार कर दिया। दरोगा ने रिश्वत ली और दावत में पुलिस के न आने का वचन दिया, पर मोनी ने ऊपर शिकायत कर दी। पुलिस आई, गदल ने बिरादरी को खिलाना जारी रखा। बंदूकधारी सिपाहियों ने घर घेर लिया। 25 से अधिक आदमी खिलाने का उस समय कानून नहीं था, पर यह पंगत पर पंगत लग रही थी। गदल ने छत पर बेटों को बंदूक लेकर आने के लिए ललकारा। गोलियां चलने लगी, बिरादरी खाती रही और पिछले दरवाजे से निकलती रही। सबको अंधेरे में घर के बाहर भेजकर गदल बंदूक लिए छत पर सामना करती रही। उसका शरीर छलनी हो गया था, लेकिन मरते दम तक उसने हिम्मत नहीं हारी। गदल कहानी का ये संक्षिप्त कथानक है। इसमें आदि, मध्य और अवसान स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। कहानी में सर्वत्र सरलता है और सरसता दिखाई देती है। आंतरिक और बाह्य संघर्ष की योग से कहानी में अपूर्व गरिमा का समावेश बना हुआ है। पात्र और चरित्र चित्रण। गदल कहानी के तीन प्रमुख पात्र हैं, गदल, डोड़ी और मोनी। कहानीकार ने तीनों पात्रों के चरित्र को यथा संभव उभारने का प्रयास किया है। इन तीनों पात्रों में गदल सर्वाधिक सपट
पात्र है। वह एक स्वाभिमानी स्त्री है। उसके व्यक्तित्व के जो आयाम इस कहानी में उभरे हैं वे इस प्रकार से हैं: स्वाभिमानी, निर्भीक, साहसी, व्यवस्थापक और प्रेममयी महिला। इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर उसका चरित्र पाठकों के सामने प्रभावी रूप से उजागर हुआ है। डोड़ी का चरित्र नैतिकतावादी, धर्म भीरु और मानवीय करुणा से ओतप्रोत है। गदल का चरित्र कहानी में जितना ही दृढ़ चित्रित किया है, डोड़ी का चरित्र उतना ही सुकुमार है। मौनी का चरित्र अत्यंत साधारण सोच का है, पर स्वाभाविक अधिक है। गदल से बदला लेने के लिए वह पुलिस की सहायता से उसके कामकाज को रुकवाने का शुद्र प्रयत्न करने से भी बाज नहीं आता है। इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से गदल एक सफल कहानी है। संवाद कला की दृष्टि से रांगी राघव की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानियों में से गदल कहानी एक रही है। इसके संवाद जहाँ सुष्टु, पेने और चुटिले हैं, वही मूल कथानक को गति प्रदान करने वाले भी हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित संवाद ले सकते हैं। गदल, डोड़ी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बुढ़ा हूं, डरता था, जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा विवाह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना? अरे चल रहने दे। गदल ने उत्तर दिया, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात डोड़ी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मरद के जा बैठेगी। हाँ अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा, सो बार कहूं लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली, डोड़ी बढ़ा, बढ़। गदल ने फुफकारा। वातावरण, गदल कहानी में सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण उभारा गया है। सामाजिक अन्याय, बुजुर्गवा मनोवृत्ति के प्रति गदल का आक्रोश एवं असंतोष वास्तव में कहानीकार का अपना ही आक्रोश है। प्रस्तुत कहानी में गदल का पुनर्विवाह कर लेना, सामाजिक एवं नैतिक मान्यताओं पर संभवतः खरा न उतरे पर उनकी यथार्थता पर तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता। गदल कोई मिथ्या चरित्र नहीं लगता, यही सहजता और स्वाभाविकता कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है जो तत्कालीन वातावरण को उजागर करने में सक्षम है। भाषा शैली की दृष्टि से देखा जाए तो गदल एक सफल कहानी है। कहानी की भाषा में कहानीकार ने मानवीय भावों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। व्याकरण की दृष्टि से भी भले ही कहानीकार की भाषा इतनी परिमार्जित एवं निर्दोष प्रतीत न हो, किंतु इतना निर्विवाद है कि भाषा में भावों की अभिव्यक्ति देखते ही बनती है। इसलिए कहा जा सकता है कि कहानी भाषा सरल सुबोध मुहावरों और लोकोक्तियों से ओतप्रोत है। इसकी शैली कथात्मक और नाटकीय है। उद्देश्य, प्रस्तुत कहानी का नामकरण कहानी के मुख्य पात्र गदल के आधार पर किया गया है। संपूर्ण कथानक आदि से लेकर अंत तक गदल के आसपास ही घूमता दिखाई देता है, इसलिए इसका नामकरण सर्वथा उचित और सार्थक है। जहाँ इसका उद्देश्य का प्रश्न आता है, गदल एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी में मानवीय भावों की का सजीव और मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही कहानीकार ने गदल जैसे साहसी और विद्रोही पात्र का जहाँ चित्रण किया है, वहीं सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन की ओर भी संकेत किया है। डॉक्टर रांगी राघव की गदल कहानी उनकी एक सशक्त रचना है। ये कहानी कला सौष्ठव की दृष्टि से एवं तत्वों के आधार पर सफल कहानी सिद्ध होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।